हेलो स्टूडेंट्स, फाइनली जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल बताया है आपके पेपर में, आप देख सकते हैं हूबहू इसी तरह से छप गया है जिस तरह से मैंने आप लोगों को कल बताया हूं। और मैं क्लास लेते समय दो बात बहुत ज़बरदस्त मैं बोलता हूं कि जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं आपके पेपर में यही क्वेश्चन छपेगी, चाहे वो ब्लू प्रिंट का एग्ज़ाम हो चाहे वो फाइनल एग्ज़ाम हो। बोलना तो बहुत आसान है लेकिन इसके पीछे मेरी कितनी मेहनत लगी हुई है आप लोगों को शायद इसका अंदाज़ा नहीं है। बस मैं एक बात बता दूँ, जिस समय आप रात में सोते हैं आपका एक नींद पूरी हो जाती है उस समय हमारा क्लास जो है स्टार्ट होती है। आप सोच सकते हैं कि मैं आप लोगों के लिए कितना मेहनत करता हूं। मेरे लाल, बस आप लोग इतना पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन जाइए, इतना इस पोजीशन तक पहुंच जाइए कि जहां भी आप खड़ा रहे वहां पे कोई भी व्यक्ति बैठा हुआ ना रहे। ये दिन आप अगर आप लोग देखना चाहते हैं ना तो याद रखिएगा, जमकर मेहनत करिए मेरी तरह। बस आप लोग मेहनत करिए, रंग लाएगी आपकी मेहनत। बस खुद पे आपको भरोसा रखना होगा कि जो मैं कर रहा हूं वह मैं करता रहूंगा, मुझे फल जरूर मिलेगी। फाइनली मैं इतना सारा चीज आपको इसलिए मैं बताया हूं कि आपके पेपर में जो क्वेश्चन आया है कल मैंने आप लोगों को हूबहू यही क्वेश्चन आपके पेपर में मैंने आप लोगों को ए टू जेड आप लोगों को बताया था कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन आएगी सारा चीज मैंने आप लोगों को कल बताया और आपके पेपर में आज देख सकते हैं हूबहू आज आपके पेपर में छप गया है। तो चलिए देखते हैं वो क्वेश्चन कौन सा है। तो दोस्तों याद रखिएगा, जो आप लोगों का ब्लूप्रिंट का एग्जाम हो रही है, इन सब ब्लूप्रिंट का एग्जाम जब से हुई है, याद रखिएगा जब से हुई है तब से लेकर आज तक जितना भी ब्लूप्रिंट का एग्जाम हुआ है, हिंदी हो या इंग्लिश हो या हिस्ट्री पॉलिटिकल, जो भी आप लोगों का एग्जाम हुई है सारा का सारा पेपर को कलेक्ट कर लेना है और एग्जाम से पहले क्विक रिविजन कर लेना है। क्यों मैं बता रहा हूँ, क्योंकि याद रखिएगा 30% क्वेश्चन आप लोगों को यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जो ब्लूप्रिंट में आप लोगों को पूछे जा रहे हैं। तो लेट ना करें, क्वेश्चन जितना भी अभी तक एग्जाम दे चुके हैं सारा का सारा क्वेश्चन को कलेक्ट करने की कोशिश करिए। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में आपके पेपर में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, जो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। क्या था मेरे लाल? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन 11 और क्वेश्चन में 12 की बात करूं, ये आपके पेपर में याद रखिएगा, अनदेखी में बोल रहा हूं, 2024 के पेपर में आपके पास 100 नहीं बल्कि मैं बोल सकता हूं 200% ये क्वेश्चन आपके पेपर में छपेगी। क्वेश्चन था 1857 की क्रांति में भूमिका निभाने वाले दो महिलाओं के नाम लिखिए। देखिए अगर महिला के नाम बताएं तो आपको महिला के बारे में बताना है, अगर चार प्रमुख पुरुषों के नाम बताएं तो आपको पुरुष के नाम बताना होगा। तो याद रखिएगा, पहला होगा आप लोगों का बेगम, क्या हो जाएगी? बेगम, बेगम हजरत महल, याद रखिएगा। और दूसरा कौन हो जाएगी? दूसरा होगी रानी लक्ष्मी, लक्ष्मी बाई, याद रखिएगा। पहला जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका सिंपल सा आंसर लिखना है, बेगम हजरत महल और रानी लक्ष्मी बाई, इसका आपको उत्तर सही हो। आप सही सही लिखेंगे तो आपको 2 मार्क्स यहाँ पे बिजली से आपको मिल जाएगी। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 12 जो बहुत ही सिंपल सा पूछा गया था, 1857 के विद्रोह के किन्हीं दो केंद्र का नाम लिखे। मैंने 1857 में जो क्रांति हुई थी, बहुत जगह में क्रांति हुई थी लेकिन ऐसा दो जगह का नाम लिखना है जो आपसे पूछे गए हैं। बहुत सारे जगह है जिसमें से आपको दो नाम लिखना है, तो एक आपको लिखते हैं बिहार, याद रखिएगा, अरे एक लिख देना है आप लोगों को लखनऊ। कल ही मैंने बताया था आपको पेपर में कि यही क्वेश्चन आपके पेपर में टपकी है, फाइनली आपके पेपर में आ चुका है। और साथ ही साथ कल मैंने ये भी क्वेश्चन आपको बताया था कि 1857 के विद्रोह के लिए लॉर्ड डलहौजी कहाँ तक उत्तरदायी थे। साथ ही साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो थी ना, सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके पेपर में था, 1857 की क्रांति का कारण लिखिए। देखिए 1857 की क्रांति के मैंने आपको 5 कारण बताए थे, कल ही का पेपर में बताया था मैंने आप लोगों को YouTube पे, तत्कालीन कारण, सैनिक कारण, राजनीतिक कारण, धार्मिक कारण, सांस्कृतिक कारण, मैंने सारा चीज़ आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया हूँ। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो फिर ये आपकी गलती है। मैं आपको बता दूँ, याद रखिएगा, फाइनल एग्जाम हो या आप लोगों का ब्लूप्रिंट के एग्जाम हो, एग्जाम से 2 दिन 1 दिन पहले मैंने आप लोगों का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन तैयार करके रखता हूँ और आप लोगों को मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। तो एग्जाम देने से पहले 1, 2, 3 जो भी लेक्चर होगी सारे लेक्चर को एकदम 100% कंठस्थ कर लेना है। उम्मीद करते हैं सारा क्वेश्चन आप लोगों को वहीं से भिड़ता होगा, ठीक है। और 1857 के विद्रोह के अफवाह का कारण, देखिए जो अफवाह लिखा हुआ है ना, ये अफवाह आपको नहीं करना है फाइनल एग्जाम के लिए। मैं बता दूं, अफवाह की जगह आपको करना है कि 1857 के विद्रोह का असफल होने का क्या कारण थे, याद रखना है असफल होने का क्या कारण थे, ये आपको अच्छे ढंग से कर लेना है, ठीक है। अब मैं बात करूँ अगर ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव बहुत ही सिंपल पूछे गए थे। उम्मीद है कि जो भी बंदा तीनों लेक्चर को देखे होंगे तो तीनों लेक्चर में 10 क्वेश्चन में से 9 क्वेश्चन मैंने बताया था, 1 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को नहीं बताया था, वो कौन सा क्वेश्चन था समझिए। पहला क्वेश्चन था कि 1857 की क्रांति की तिथि क्या थी। आप सभी को मैंने बताया था कि 10 मई 1857 की क्रांति शुरू हुई थी, ये कहाँ से शुरू हुई थी मैंने आपको ये भी बताया था, मेरठ से शुरू हुई थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न पे आते हैं, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, ए इसका राइट आंसर होगी, फिरंगी शब्द का प्रयोग कब हुई थी, किस भाषा से लिए गए, जो फिरंगी शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, फारसी, अरबी, उर्दू या संस्कृत। तो बताएंगे सर इसका जो राइट आंसर हो जाएगी ना फारसी भाषा का है,
ठीक है, फारसी भाषा ए नहीं, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा ए। और आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किए तो जल्दी से जाएं प्ले स्टोर और डाउनलोड करने की कोशिश करें मिसाइल क्लासेस के एप्लीकेशन को। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड बैटिंग, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड डॉलोजी? मैंने कल ही बताया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ए इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म किस स्थान में हुआ था? आप सभी को पता है कि रानी लक्ष्मीबाई का जन्म हुई थी कहाँ पे? वाराणसी में, यूपी में। लेकिन आपसे पूछेंगे ना वाराणसी है ना ही यूपी है, आपके सामने तो झांसी, काशी और कानपुर और कालपी है। तो याद रखिएगा वाराणसी के जगह में एक जगह का नाम था काशी, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? बी इसका राइट आंसर होगी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? मैंने कल ही बताया था आप लोगों को तत्कालीन कारण क्या था कि जो करतूस का प्रयोग करते थे कौन, हमारे इंडियन मिलिट्री, उसके करतूस के ऊपर सुअर का चर्बी और गाय का चर्बी लगा देते थे और इसका प्रयोग होने से पहले इसे दांत से हटाना पड़ता था, यानी बोल सकते हैं चर्बी का करतूस। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यह गिलास फल एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन अवध के बारे में किसने कहा था? ये स्टेटमेंट आपको बताना है, लॉर्ड डॉलोजी, लॉर्ड वेल्सली, लॉर्ड विलियम बैटिंग या लॉर्ड क्लाइव? तो बताएंगे सर इसका जो बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे लॉर्ड डॉलोजी ने कहा था। याद रखिए क्या हो जाएगी? लॉर्ड डॉलोजी ने कहा था। 1857 के विद्रोह कहां से प्रारंभ हुई थी? आप सभी को पता है, कल ही मैंने बताया था 1857 के विद्रोह का प्रारंभ हुआ था मेरठ से 10 मई 1857 को, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? मेरठ। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगी। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट पे आते हैं सर। अगला प्रश्न अगर आपके पेपर में छप जाए, अवध को ब्रिटिश साम्राज्य में कब शामिल किया गया था? ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल नहीं बताया था, याद रखिएगा क्या हो जाएगा? 1856। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? बिहार के जगदीशपुर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? याद रखिएगा कुंवर सिंह ने किया था। किसने? कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी मेरे लाल? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। किस गवर्नर जनरल के द्वारा हड़प नीति अपनाई गई? किस गवर्नर जनरल द्वारा हड़प नीति अपनाई गई? लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डॉलोजी, लॉर्ड कॉर्नवालिस या लॉर्ड वेल्सली? तो चलिए देखते हैं इसका जो राइट आंसर हो जाएगी, याद रखिएगा लॉर्ड डॉलोजी, लॉर्ड डॉलोजी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं कितना ऐसे स्टूडेंट है, 10 में से कितना क्वेश्चन आप लोग सही करके आए हैं, एक बार जल्दी बताएं ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोग का प्रिपेयर कितना हो चुकी है। और कोई ऐसे स्टूडेंट जो अभी तक हमारे ऐप को डाउनलोड नहीं किए, जल्दी से जाए प्ले स्टोर ओपन करें मिसाइल क्लासेस के ऐप को डाउनलोड करके वहां पर क्रैश कोर्स को ज्वाइन करके आप अच्छी तरह से क्लास को कर सकते हैं फाइनल एग्जाम के रिगार्डिंग सेलेक्टेड क्वेश्चन। मिलते हैं नया वीडियो।